सो गाइस देख सकते हैं दोनों साइड पहाड़ है और बीच में रास्ता है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। और फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइस, हम पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हम यहीं पास अपनी मोटो ब्लॉगिंग का एंड किए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था। वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं और ये हमारी गाड़ी है और यहाँ पास का आप लोकेशन दिखा दिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम अपना न्यू मोटो ब्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं। सो गाइस, बहुत लेट हो चुका है तो हम अपनी मोटो ब्लॉगिंग का शुरुआत यहीं से करते हैं और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहां पास से हम अपने वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं और देख सकते हैं हमारे सामने जस्ट बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए एकदम सामने खड़ी चढ़ाई है और इसको चढ़ने वाले हैं हम। और गाइस, हमारी गोप्रो का जो बैटरी है वो बहुत ही कम बचा हुआ है, हालांकि आज हम एक बैटरी और लेके आए हैं ताकि रास्ते में कुछ बैटरी अगर डिस्चार्ज भी हो जाता है तो हम दूसरी बैटरी लगा सकें। और हम आ चुके हैं राइड करते हुए कोडार वाटरफॉल के बहुत ही करीब, यहाँ से 10 किलोमीटर समथिंग बचा है। और ये थोड़ी सी अच्छा गांव है क्योंकि यहाँ पास थोड़ी सी घनी आबादी दिख रही है, उतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है, लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, ये ग्राम कोडार है जिस यहाँ हमको आना रहा और इसके आगे हमको और जाना है वाटरफॉल। और गाइस, वो वाटरफॉल जुहिला नदी पर भी बना हुआ है और इससे पहले हम आपको एक बार जुहिला नदी का वाटरफॉल ले गए थे और वो था उमरिया डिस्ट्रिक्ट में और ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। लगभग बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि वो 50 किलोमीटर शहडोल से दूसरे साइड था 50 किलोमीटर और ये शहडोल से दूसरे साइड 45 किलोमीटर है। और ये पहाड़ों के ऊपर है और वो भी बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था, जुहिला वाटरफॉल नाम है उसका और इसका कोडार वाटरफॉल नाम है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। और फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और एक बार और गूगल मैप में देख लेते हैं सही जा रहे हैं या नहीं। देख सकते हैं बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा है, दोनों साइड पहाड़ है और बीच में रास्ता है और जो पहाड़ का मलबा भी गिरा है तो रास्ते में ही आया है देख सकते हैं। और हम जस्ट पहुँच चुके हैं कोडार वाटरफॉल, लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है और जैसे ये पहाड़ ख़त्म होगा हमको दिखाई दे देगा। ये देखिए गाइस, पहुँच ही गए हैं, लगभग थोड़ी और बचा है। तो गाइस, हम अपनी गाड़ी बंद कर चुके हैं क्योंकि बहुत ही ढाल है, वो अपने से ही गाड़ी भाग रहा है। थोड़ी सी पेट्रोल ही बचेगा, कवर करेगा जो 5 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा गए हैं क्योंकि यहाँ अगर पेट्रोल ख़त्म हुआ तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो गाइस, हम पहाड़ों के सबसे टॉप में आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पास बहुत ज़्यादा पहाड़ दिख रहा है। इस साइड देखेंगे और धुंध है तो उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन दिखाई दे रहा है। तो फाइनली गाइस, हम कोडार गांव पहुँच चुके हैं और बगल में आपको नदियाँ भी दिखाई दे रहा होगा लेकिन हम लगता है दूसरे साइड आ गए हैं, उस साइड जाना रहा। सो गाइस, फिर से लगता है हम लोग भटक गए हैं, फिर किसी से पूछते हैं कोई मिलता है तो। भैया नदी जाना है? जाएंगे नहीं, कोडार वाल नदी जो वाटरफॉल नहीं बनाता, गिरता पानी होनी। हाँ हाँ, तो यहाँ से आप जाएंगे। हाँ, ये गांव दिख रहा है। हाँ हाँ, बाएं साइड में जाने के लिए इच्छा ले से। हाँ हाँ, ऐसे कच्ची रोड बना है, टावर दिख रहा है। हाँ हाँ, वहीं कुछ अच्छी जगह दिखेगा जो जो देखा फिर दूंगा जैसे। अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक। तो गाइस, हम मेन रोड से कच्चा रास्ते में आ चुके हैं और देख सकते हैं गांव का कच्चा रास्ता है और पथरीला भी है, यहाँ पास गाड़ी स्लिप भी हो रही है। और देखते हैं आगे और
कितना दूर हो सकता है ये। तो सो गाइस फाइनली हमको कोडार वाटरफॉल पहुंच गए हैं और सामने हमको दिख गया है बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। तो सो गाइस हम पहुंच चुके हैं कोडार वाटरफॉल, जो आपको उस साइड दिखाई दे रहा है वहां पास को वाटरफॉल है। और जो आप वो ग्रामीण बताया था हमको कि कोई अधिकारी आए हैं, तो एक विधायक जी आए हैं, देख सकते हैं पुष्पराजगढ़ का विधायक। तो गाइस हम दूसरे रास्ते से आ चुके हैं और ये खेतों के बीच से रास्ता गुजर रहा है, देख सकते हैं। तो गाइस हमारा ये जो मोटो ब्लॉगिंग है बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है और बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं हम लोग। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिसको आपको और हमको भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और वो जगह पहुंच चुके हैं और यहाँ पास विधायक जी भी आए हैं। तो गाइस जिसका आपको इंतज़ार था वो जगह ये देखिए आपके सामने है, और हम यहाँ पास थोड़ी सी पानी जो भरा है उसको पार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कोडार वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत है और ये जुहिला नदी पर बना हुआ है। तो बहुत भटकने के बाद हम यहाँ पास पहुँच चुके हैं। सो गाइस हम पिछली बार ये रास्ते से आए थे और इस बार दूसरे रास्ते से आए हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये है कोडार वाटरफॉल और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, देख सकते हैं। और इस समय पानी बहुत ही कम है और बरसात के दिनों में इस साइड जहाँ हम चल रहे हैं अभी तो पूरा पानी भरा रहता है और इस समय सूख गया है। तो सो गाइस हम पहुंच चुके हैं कोडार वाटरफॉल और हम आपको दिखाने वाले हैं कोडार वाटरफॉल जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस हम यहां पास से आपको शुरू करते हैं दिखाना, और ये देख सकते हैं ये कोडार वाटरफॉल है जो कि जुहिला नदी पर बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल, ये देखिए इसकी गहराई देख लीजिए कितना गहरा है ये, तो देखिए बहुत ही अच्छा है। और इस साइड से बहते हुए जुहिला नदी आती है और यहाँ पास वाटरफॉल बनाती है छोटा सा और फिर बहते हुए उस साइड जाती है। और हम जाएंगे अभी नीचे और आपको नीचे का भी व्यू दिखाते हैं नीचे से कैसा दिखाई देता है। और ये हमारे लोकेश पहली बार आए हैं, तो कैसा लगा लोकेश आपको? बहुत बढ़िया। दोबारा आना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। हमारे ऑडियंस कुछ बोल दो। ओके आइए आप ही और क्या। हम कोडार वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं कोडार वाटरफॉल कितना खूबसूरत है और यहाँ पास बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं ये कोडार वाटरफॉल है और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, देखिए नीचे तक। और हम उस सब पास नहीं जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि पैर भी फिसलने का डर है। और ये देख सकते हैं और वहाँ पास जो है मेरे मित्र लोकेश खड़े हैं और यहाँ पास पानी की छोटे छोटे बूंदें भी आ रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखिए। और फाइनली जो हाँ हम आपको दिखाने वाले थे वो जगह पहुंच चुके हैं और आपको दिखा दिए हैं, और भी हम आपको पास से दिखाते हैं। तो हम ये वाले पत्थर में जाते हैं और यहाँ से पास में दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा है ये। लगता है ये मेरे ऊपर ही गिर जाएगा, देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है ये। और गाइस ये कोडार वाटरफॉल का नेचर आप ब्यूटी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। और दिन डूबने ही वाला है इसलिए उतना ज़्यादा नीचे उस अच्छा नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। और इसके इस साइड भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ और बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत नीचे है और वहाँ से पानी निकलता है ये देखिए, और बीच में पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चट्टाने हैं जो बहुत पहले टूटे होंगे और जो चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। और यहाँ पास बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ ये देखिए, और जहाँ से जो पानी गिरता है वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच से निकलता है वो देखिए। हम यहाँ
यहाँ पास पहुँच चुके हैं और आपको जितना व्यू था आपको दिखा चुके हैं, और कुछ ऊपर साइड जाएंगे तो वहाँ का आपको भी व्यू दिखाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ बहुत मस्त वाटरफॉल है, और जस्ट वाटरफॉल के आप नीचे भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि सामने उसके जस्ट पत्थर है, बहुत बहुत सारे पत्थर हैं, तो पानी आने का डर भी नहीं है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी गिर रहा है, तो फिर ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर का व्यू दिखाएंगे। फिलहाल आपको हम चारों साइड का व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। वाटरफॉल दिखा चुके हैं, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, और ये चारों साइड जो जुहिला नदी निकलती है, ये चारों साइड पहाड़ों से घिरा हुआ है, और बहुत ही सुंदर वाटरफॉल बनाती है यहाँ पास देख सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं यहाँ पास, जहाँ पास वाटरफॉल बनता है वहाँ पास बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो नदी है जुहिला नदी, खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए ये इस साइड जाती है, जिस साइड से हम लोग आए हैं, और वहाँ पास भी छोटा सा जलप्रपात बनाती है, और यहाँ पास सबसे बेस्ट जलप्रपात बनाती है। अमरकंटक से निकलती हुई अनूपपुर जिला होते हुए ये उमरिया जिला से फिर आगे सोन नदी में मिल जाती है, और ये बहुत ही अच्छा जगह है, आप यहाँ जरूर आइएगा। ये शहडोल से लगभग 45 किलोमीटर दूरी में है, और हम मोटो ब्लॉगिंग करते हुए आए थे। शाम ढल चुकी है, अब हमको जाना है शहडोल, और यहाँ से बहुत दूर है, अब हम चलते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।